हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, आज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कब तक हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो सकती है। एंड इसके बाद गाइज हमारी कैपराउंड की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगी। उसके पहले हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आएगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एंड इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कब तक आप अपना जो कैपराउंड वन का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीएससी की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये कब तक जो है वो रिलीज हो सकती है, एंड फिर कट ऑफ्स एंड जो सीट मैट्रिक्स वगैरह उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज आपको डीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करोगे तो इसके अकॉर्डिंग गाइज यही बताया गया है कि 15th ऑफ अगस्त को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होने वाली है। तो आज हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो आ सकती है। अब टाइम का भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। जनरली होता है गाइज की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी लेट जो है वो रिलीज़ होती है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी चेक करते रहेंगे पोर्टल पर, बट जो अपडेट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम चांसेस है गाइज कि रात के 11, 12 या फिर 1 बजे के आसपास हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले फाइनल मेरिट लिस्ट का। तो 5 से 8 बजे तक आप जो है वो वेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो पोर्टल पे। अगर अपडेट नहीं आता है तो फिर चेक करना छोड़ देना, बिकॉज फिर जो अपडेट है वो काफ़ी लेट आएगा। जनरली फिर रात के 11, 12 या फिर 1 बजे के आसपास जो अपडेट है वो आता है, एंड फिर आपको पता चलेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। एंड उतनी रात को देख के भी कोई फ़ायदा नहीं। तो 5 से 8 बजे तक आप चेक करते रह सकते हो। तब तक अगर अपडेट नहीं आता है तो फिर रात के 1-2 बजे के आसपास फिर जो अपडेट है वो आएगा, ठीक है। तो अपडेट जो है वो मैक्सिमम चांसेस है कि लेट ही आएगा, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि आज ही देखने को मिलेगा। हो सकता है रात को अपडेट है या फिर कल सुबह ही आपको जो है वो पोर्टल पे फाइनल मेरिट लिस्ट का अपडेट जो है वो देखने को मिले, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके साथ गाइज और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है, जो कि गाइज हमारा प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, जिससे हमें ये समझ में आता है गाइज कि कौन से कॉलेज में डीएससी के लिए जो है वो कितनी सीट्स है। अब सभी स्टूडेंट्स को यही पता होगा कि डीएससी के लिए 10% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होती है, बट इसके अलावा भी गाइज एक्स्ट्रा जो सीट्स है वो हमें मिल सकती है। अब होता क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स होते हैं उस एडमिशन प्रोसेस में अगर कुछ सीट्स बच जाती है जो कि फर्स्ट ईयर में फिल्ड आउट नहीं होती है, तो उन सीट्स को गाइज डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है वो फिल किया जाता है। तो 10% जो पहले से रिजर्व्ड होती है वो तो रहेगी ही, साथ ही में अगर कैपराउंड वन जो मतलब इंजीनियरिंग के हो रहे थे उनके अगर लास्ट ईयर की कुछ सीट्स बची होगी तो वो भी आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। जैसे ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैकेंट सीट्स लास्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर की जो सीट्स है वो वैकेंट टू 2 बच गई थी, एंड जो आपका सैंक्शन इनटेक है उसकी 10% सीट्स है वो आपको यहाँ पे 6 दिख रही होगी, एंड 2 सीट्स एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। इससे गाइस सीट्स जो है वो बढ़ जाती है एंड आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो भी जो है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर मैं और कोई कॉलेज सर्च करूँ, जैसे VGTI देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर गाइज इस कॉलेज में सिविल की जो फर्स्ट ईयर की सीट है वो वैकेंट रह गई थी, एंड इसका इंटेक 60 का है, तो 10% सीट सिविल इंजीनियरिंग की 6 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल थी लास्ट ईयर, एंड 1 सीट एक्स्ट्रा जो थी वो हमें मिल गई थी फर्स्ट ईयर की वजह से, ठीक है। तो इस साल का भी जो सीट मैट्रिक्स है वो जब आएगा तब तो हमें पता चलेगा कि कितनी एक्स्ट्रा सीट्स हमें इस बार जो है वो देखने को मिल रही है कौन से कॉलेज में, एंड बाकी सैंक्शन इंटेक की तो जो 10% सीट्स है वो तो रहती ही रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का अपडेट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे गाइज आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो भी जो है वो बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये भी, गाइज आज रात को आ जाएगा या फिर कल सुबह ही हमें जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर गाइज उसके बाद हमारी जो कैपराउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। कैपराउंड की प्रोसेस हमारी जो है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा एंड कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। कॉलेजेस के ऑप्शन डालने की प्रोसेस के ऊपर मैं वीडियो जो है वो डाल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाए कैसे, कौन से कॉलेजेस हमारी जो लिस्ट में है वो रहना चाहिए। एंड डीएससी में आपको भी पता है कि कैपराउंड वन में अगर कॉलेज नहीं लगता है तो 2 एंड 3 में लगना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत ही कम जो सीट्स है वो बची रहती है। तो हमेशा गाइज आपका यही इंटेंशन रहना चाहिए कि कैपराउंड वन में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए, एंड ऐसी लिस्ट आपको जो है वो कॉलेज की बनाना चाहिए, ठीक है। कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है गाइज हमारी मेरिट लिस्ट। जो अपने मेरिट लिस्ट को अच्छे तरीके से समझेगा एंड जिनको ये पता चलेगा कि कौन से मेरिट नंबर से हमें जो एडमिशन है वो मिलता है, उनकी जो कॉलेज की लिस्ट है वो ज़्यादा बेटर बनती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जिनको लगते हैं कि यार मेरे को तो कैटेगरी से ही मिल जाएगा, मेरा कैटेगरी का अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता है, एक ही स्पेसिफिक नंबर से जो है वो मिलता है एंड उससे गाइज एडमिशन होता है, एंड काफ़ी सारे लोग उसको जो है वो मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी जो लिस्ट है वो अच्छी नहीं बनती है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, एंड जो
सीट मैट्रिक्स है वो भी अच्छे से देखना, इससे भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा इस मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मिनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी रखी है, जिसमें मैं आपको डिटेल में जो है वो समझाऊंगा कि कैसे आपको जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाना चाहिए, जिसमें पहला मॉड्यूल ये रहेगा कि हमें अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो किस टाइप से देखना चाहिए, कौन से रैंक से हमें जो कॉलेज है वो मिलता है। फिर उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइप से आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको कैपराउंड वन में ही जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाए। उसके बाद फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस, बेटरमेंट फ्रीज आप कैसे कर सकते हो, वो सारी जो प्रोसेस है वो आपको इस मिनी काउंसिलिंग में जो है वो मिल जाएगी, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा कट ऑफ्स में भी काफ़ी स्कैम होता है डीएससी में, स्कैम इन सेंस कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं डीएससी वाले जो अपने जॉब के लिए जाते हैं, उनको अच्छे परसेंटेज मिलने के बावजूद भी वो नीचे वाले कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, तो जिसके वजह से जो अच्छे कॉलेजेस नहीं है उनका भी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है। तो अगर बस आप कट ऑफ देख के लिस्ट बनाओगे तो वहाँ पर भी आपका जो लॉस है वो हो सकता है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। तो ये सारी जो चीज़ें वो हम इस डीएससी वाले काउंसलिंग में जो है वो कवर करेंगे, ताकि आपको इन सभी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े एंड आपकी कॉलेज की जो लिस्ट है वो अच्छी बन जाए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड जान सकते हो कि कैसे आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए। इसके अलावा सपोज़ अगर आपको कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट वगैरह करना है तो ये वाले जो कॉलेजेस की लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी आपको मिनी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप काउंसलिंग ले रहे हो तो इन लिस्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बट अगर आप काउंसलिंग में एनरोल नहीं कर रहे हो एंड आपको बस कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करना है तो आप हमारी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में सभी डिस्ट्रिक्ट में कौन से डीएससी के कॉलेजेस हैं, उनका कितना परसेंटेज जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे ही ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मैं वीडियो बना के आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपको जो फॉर्म है वो भरना है, कैसे प्रेफरेंस देना है एंड कैसे सबमिट वगैरह जो है वो करना है। बाकी तो आपको बताइए कि अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते ही रहते हैं एंड फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो है वो जल्दी रिलीज हो जाएगी, जिससे आपको जो भी रैंक में डिफरेंस है वो भी देखने को मिलेगा। जनरली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट फाइनल वाला ही जो है वो रेफर करके अपनी जो लिस्ट है वो बनाना, बाकी लिस्ट के लिए एनरोल आप इसमें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहें।